हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, इंडिया एट द क्लाइमेट समिट। तो क्लाइमेट समिट कौन सा? COP 28 की बात हो रही है। कहाँ पर? दुबई में। तो इसमें इंडिया क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इंडिया। तो ये जो इंडिया है, आपका वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस है। इज़ ए क्रूशियल प्लेयर इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। कमेंसुरेट विद इट्स राइजिंग इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड जियो पोलिटिकल अफेयर्स, इंडिया हैज़ इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो बिकम इंक्रीजिंगली प्रोएक्टिव इन द एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेज नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो COP है, UNFCCC के अंडर में है ये। इट इज़ नॉट वेरी वेल नोन दैट द इंडिया हैड होस्टेड वन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। COP 8 वे बैक इन 2008, COP इज यूज टू बी मच सिंपलर अफेयर एट दैट टाइम, अटेंडेड ओनली बाय द क्लाइमेट नेगोशिएटर एंड सम एनवायरमेंट मिनिस्टर्स। दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम हाई प्रोफाइल इवेंट दैट रिसेंट COPs हैव बिकम। एट लीस्ट थ्री ऑफ दिस, COP 15 इन कोपनहेगन इन 2009, COP 21 इन पेरिस इन 2015, COP 26 इन गैस ग्लो इन 2021। तो यहीं पे 21 में ही पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, कोपेनहेगन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, और 26 जो हुआ था गैस ग्लो में हुआ था। 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स और गवर्नमेंट फ्लाइंग इन मेकिंग द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द वर्ल्ड लीडर एवर। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हुए हैं, पहले ऐसे इवेंट्स नहीं होते थे। इंडियाज एमिशन क्या है ये? ओनिंग इट्स साइज एंड पॉपुलेशन, इंडिया हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। इट्स एमिशन हैव ग्रोन ऑलमोस्ट फोर फोल्ड्स बिटवीन 1970 एंड नाउ। तो इधर 30 साल निकाल लो, इधर 20 साल निकाल लो, तो आप देखो 50 साल में फोर फोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा है एमिशन। डेटा फ्रॉम द एमिशन डेटाबेस और ग्लोबल एटमोस्फेयरिक रिसर्च एन इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव शोज दैट नियरली 40% ऑफ इंडियाज एमिशन कम फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेक्टर, वाइल द लैंड ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 10%। बट इन पर कैपिटा टर्म्स, इंडियाज एमिशन आर लो, लेस देन हाफ ऑफ द ग्लोबल एवरेज इवन नाउ। लो लेवल्स ऑफ पर कैपिटा एमिशंस इंडिकेट लो एक्सेस टू एनर्जी, लोअर कंजम्पशन एंड रिलेटिवली लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। इंडिया सिटीज इट्स साइट्स इट्स लो पर कैपिटा एमिशन टू काउंटर एनी इंटरनेशनल डिमांड टू कैप इट्स ओवरऑल एमिशन, आर्ग्यूइंग दैट इट नीड्स टू लिफ्ट इट्स पीपल टू सिमिलर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एज इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ये मैं आप लोग को समझाऊंगा एंड में, जब समरी दूंगा। इंडिया एट COPs हिस्टोरिकली, राइट फ्रॉम द 1992 रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट विच गेव राइज टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू इंश्योर दैट द बर्डन ऑफ क्लाइमेट एक्शन डज नॉट डिसप्रोपोर्शनेटली फॉल ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो भाई, डेवलप्ड कंट्रीज ने ये चीज खराब कर दिया और उसका बर्डन अब डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ना पहुंचे। वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ UNFCCC हैज़ बीन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, ठीक है, CBDRRC, विच एम्फसाइजेज दैट दैट वाइल फाइटिंग क्लाइमेट चेंज इट्स एवरी वंस जॉब। किसी एक का काम नहीं है, रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट बियर द बल्क ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट बिकॉज दे हैव कॉज्ड मोस्ट ऑफ द एमिशन बट ऑल्सो बिकॉज दे हैव द ग्रेटर रिसोर्स एंड द कैपेसिटी टू एक्ट। इंडियन नेगोशिएटर्स प्लेड अ लीड रोल इन द क्योटो प्रोटोकॉल COP 3 इन 1997। तो क्योटो में हुआ था COP 3 1997 में, विच वॉज बेस्ड स्ट्रॉन्गली ऑन वन प्रिंसिपल ऑफ CBDRRC, दैट इज आपका कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। अ ग्रुप ऑफ रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज वर अलॉटेड स्पेसिफिक एमिशन कट टारगेट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द 2008-2012
period, while the developing countries, including India and China, were free to take whatever nationally appropriate climate action they deemed fit. The Kyoto Protocol was inherently unstable because of the restriction placed on the rich countries. Even before the implementation period of the protocol began, developed countries had started making efforts to replace it with another one, more equitable arrangements by their definition. The result was the gradual erosion of CBDRRC principle in every successive COP decision. In this period between 2008 and 2015, when Paris Agreement was finalized, India's main effort of the COP was to prevent this erosion as much as possible. पेरिस एग्रीमेंट, अब देखिए यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट तक वहाँ पे कुछ उन्होंने नहीं किया, वो अब यहाँ पे अब क्योटो प्रोटोकॉल को चाह रहे थे कैसे रिप्लेस करें, तो उनको मिला फिर भाई चलो पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस करेगा उन, क्योंकि ये बर्डन कहीं ना कहीं उनको लग रहा था हमारे ऊपर आ रहा है. द पेरिस एग्रीमेंट अलाउज एवरी कंट्री इंक्लूडिंग द डेवलप्ड वंस टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट्स इट्स क्लाइमेट एक्शन. एवरी वन इज सपोज टू हैव अ क्लाइमेट एक्शन प्लान कॉल्ड नेचुरली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDCs, but no mandatory targets. Only a marginal distinction between a developed and a developing countries has been retained, that too informally. It is understood that the developed countries would have emission cuts as a part of their NDCs. The target is to be decided by them. So, ye target unko wo khud denge. While the developing countries need not mandatorily include emission cuts. India in the recent COPs. India ve recent COPs mein kya kiya hai? In the past, India played a role largely in the background. This has changed in the recent year, and New Delhi has become more assertive and more forthcoming in offering its own narrative. Also, after the Paris Agreement, as one of the fastest growing economies, India conducts its track much more keenly. At the 2021 Glasgow meeting, ye important hai hamare liye, India blocked the final draft outcome of the last minute and got phased out of coal change to phase down at a Sharm el-Sheikh meeting last year. India campaigned for a phase down of all fossil fuels, not just coal proposal that is still too hot to handle for many countries. India has also been talking about the need for lifestyle changes to bring down energy consumption and emission. तो इंडिया एज अ लीडर उभर के आ रहा है. यहाँ पे हमने ये देखा इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स. तो इंडिया का क्लाइमेट कमिटमेंट क्या है? लाइक एवरी अदर कंट्री, इंडिया टू इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम इट्स क्लाइमेट एक्शन प्लान और एनडीसीज व्हिच हैव अपडेटेड एवरी 5 ईयर. न्यू दिल्ली हैज सबमिटेड एनडीसी 2 NDCs सो फार. तो अभी तक हर 5 साल में अपडेट होता है. अभी न्यू दिल्ली मतलब इंडिया ने 2 NDCs प्रपोज किया है. द फर्स्ट NDC कंटेन 3 टारगेट प्रोमिस. इंडिया विल रिड्यूस इट्स एमिशन intensity or emission per unit of GDP by 33% to 35% from 2005 levels by 2030. It will ensure that at least 40% of its installed electricity capacity of 2030 consists of non-fossil fuel sources. तो मतलब अगर 100 यूनिट बिजली आ रही है इंडिया में 2030 में, तो 40 यूनिट जो आ रही है वो आपके नॉन फॉसिल फ्यूल वाले सोर्सेज से आ रही है. मतलब आपके सोलर से आ रही है, हाइड्रो पावर प्लांट से आ रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रही है, पर कोल पावर प्लांट से नहीं आ रही है. इट विल क्रिएट एटलीस्ट 2.5 to 3 billion टन्स ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू ट्री एंड फॉरेस्ट कर. सेवरल अदर मेजर्स वर लिस्टेड बट विदाउट स्पेसिफिक टारगेट्स. इन इट्स अपडेटेड एनडीसी अनाउंस लास्ट ईयर, इंडिया रेज्ड टारगेट ऑफ द फर्स्ट 2 promises अबाउट have already achieved in previous targets 8 years in advance. So, India ne ye cheez bataya ki humne 8 years advance mein hi target ko achieve kiya hai. It raised the emission intensity reduction target from 33 to 35% to 45% and the non-fossil fuel based electricity target to 50% from the previous 40%. So, unhi target ko ye pehla tha, unhi target ko India ne yahan pe aapka बढ़ाया है. यह पहले यहाँ पे 33 to 35 था, अब 45 कर दिया, अब पहले 40 था तो अब 50 कर दिया. इंडियाज इनिशिएटिव क्या है? इंडिया का इनिशिएटिव, इंडिया हैज आल्सो लॉन्च सम ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज. ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज दैट हैव रिसीव्ड द बैकिंग ऑफ मेनी कंट्रीज. दिस इनिशिएटिव्स आर नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल COP डिस्कशन बट हैव बीन इम्पोर्टेंट इनपुट.
द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आपका एक इस साल भी एक हुआ है G20 में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच सीक्स टू प्रमोट द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर एनर्जी अक्रॉस द वर्ल्ड वॉज लॉन्च एट द 2015 पेरिस मीटिंग। ये ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज नाउ इवॉल्व इंटू फुल फ्लेज यूएन एफिलिएटेड एजेंसी। ठीक है, अ सिमिलर मॉडल इज बींग फॉलोड फॉर द कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर विच सीक्स टू बिकम द ग्लोबल नॉलेज सेंटर फॉर क्रिएशन ऑफ द मोर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। द CRDI हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली द स्मॉल आइलैंड स्टेट्स एट मैक्सिमम रिस्क फ्रॉम द क्लाइमेट डिजास्टर। इंडिया हैज फॉर लॉन्ग बीन स्पीकिंग अबाउट द बिहेवियर चेंजेस एंड द नीड टू मूव टू लेस कंजप्टिव लाइफ स्टाइल एज अ वे टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। दिस नेवर रिसीव्ड मच अटेंशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, बट इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इंडिया हैज कॉन्क्रिटाइज इट्स प्रपोजल एंड लिस्टेड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। तो मतलब यहाँ पे उन्होंने एक बुकलेट बनाया होगा, कॉन्क्रिटाइज कर दिया, मतलब उसको अच्छे से बता दिया कि भाई वेग वे में नहीं बता रहे कि भाई ऐसा कर लो, उसको प्रॉपर रोड मैप के साथ बताया है, कॉन्क्रीट फैक्ट्स रखे, ये बताया जा रहा है। इट ऑल्सो गॉट द इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी IEA टू डू एन एनालिसिस ऑफ इट्स प्रपोजल। द IEA एनालिसिस शोज दैट द सिंपल लाइफ स्टाइल चेंजेस कुड रिड्यूस एनुअल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय अबाउट 2 बिलियन टन्स बाय 2030। इट ऑल्सो सेड दैट नियरली 60% ऑफ द सेविंग्स थ्रू सच मेजर्स कुड बी डायरेक्टली मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट। India's lifestyle for environment mission is now much more acceptable to other countries and found its way in the final outcome of the G20 summit in New Delhi earlier this year. अब देखिए, India's group, since it is difficult to have all 190 plus countries present their individual points of view in negotiation at the COP happen mostly through formal and informal negotiating groups. Member of these groups finalize their common position on different items and these are presented at the formal negotiations. India has been one of the original members of what is known as G77 group of developing countries. The name is misnomer because the group has over 130 members now, almost the entire developing world. In more recent times, Brazil, South America, Africa, India, China formed a basic group which has emerged as a powerful voice. India is also a part of what is known as like-minded developing countries LMDC bloc, which has about 20 large developing countries. India, like other countries, also becomes part of tactical group that get together on the specific issue from time to time. India's red line kya hai? Negotiations are all about give and take, but every country has few non-negotiable red lines. So, matlab aisa kya hai India jisko matter ko touch nahi karta hai aur nahi karne deta hai? For long, any attempts to dilute or do away with the CBDRRC principle was big red line for India. इन प्रैक्टिस हाउएवर द प्रिंसिपल ऑफ CBDRRC हमने यहाँ पे देखा है, ये है आपका कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी हैज इरोडेड कंसिडरेबली। इंडियाज न्यू रेड लाइन आर नाउ मोर इंडिविजुअलिस्टिक। एनी प्रपोजल डेट आस्क इंडिया टू रिड्यूस दिस एमिशन इज ए स्ट्रिक्ट नो। कोई भी प्रपोजल जो इंडिया को बोलता है भाई अपना एमिशन कम करो, इंडिया वहाँ पे साफ बोलता है नहीं, वो हमारे लिए रेड लाइन है। इंडियाज क्लाइमेट एक्शंस are framed in terms of emission intensity or emission per unit of GDP and not on emission directly. It means that while India's emission would continue to grow in the short and medium term, emissions as a proportion of GDP would decline. As a corollary, India also rejects any suggestion to define a peak or peak year of its emission. India ye bhi cheez nahi batate hum kab tak emission karte rahenge. India finds unacceptable demand of an immediate shutdown of coal-fired power plants. It insists that it will have to rely on coal for power consumption for at least a decade and a half. Emissions cuts in the agriculture sector is another no-go area.
तो यहाँ पे हमने ये भी एक एरिया देख लिया जहाँ पे इंडिया बोलता है नहीं, ये भी देख लिया नहीं, यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कट डाउन नहीं करेंगे, और पहले CVDRRC था। अभी आप देखिए इंडिविजुअल बेसिस पे ये इंडिया आ रहा है, ठीक है। द एग्रीकल्चर सेक्टर अलॉन्ग विद द एनिमल हस्बेंड्री अकाउंट्स फॉर क्लोज टू 15% ऑफ इंडियाज एनुअल एमिशन। दीज आर मेनली मिथेन विच इज मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड बट रिमेन्स इन द एटमोसफियर फॉर अ स्मॉलर पीरियड। एग्रीन टू एमिशन कट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर कुड मीन चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड हैज़ ह्यूज इम्प्लीकेशन फॉर इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी। काफ़ी बड़ा आर्टिकल था, पर पूरे आर्टिकल में मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ऐसा ही आर्टिकल छोड़ने लायक था नहीं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारे लिए इंडिया एंड COP, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी कौन सा होने वाला है, ये कहाँ होने वाला है, दुबई में COP 28। COP किसके अंडर में आता है, UNFCCC के, ठीक है। ये हमने देख लिया इंडिया क्या है, थर्ड, इंडिया है आपका थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर इंडिया है। पर आप देखिए थर्ड लार्जेस्ट देखिए इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमने देख लिया, ठीक है, UNFCCC का है ये हिसाब। और ये आपका जो है पहले इतना धूमधाम से नहीं होता था, अब बहुत लोग एंड इसमें पार्ट लेते हैं। 21 हो गया पेरिस में, देखो COP 21, COP आपका 15, COP 26 और COP 28। और ये कहाँ हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये दुबई में होगा, ठीक है। और आप 26 गैस ग्लासगो, ठीक है, ये आपका पेरिस हो गया, 2015 वाला पेरिस एग्रीमेंट हो गया। और ये आपका हो गया, अब देखिए कोपनहेगन में 2009 में, चलिए। और 26 हुआ था आपका ग्लासगो में 2021 में, ये होगा 2023 में, ठीक है। अब इंडिया एमिशन क्या है, इंडिया का जो एमिशन है साइज के वजह से सबसे ज़्यादा है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर, ठीक है। और ये अभी आपके 1970 से बड़ा है, 1970 से 2023 तक इंडिया का ये काफ़ी बड़ा है, एक्सट्रीमली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। पर क्या ये सही है, नहीं सही तो नहीं है, पर क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है, डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आप देखिए 40% जो है इंडियन एमिशन वो बस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से आता है, 10% जो है आपका ट्रांसपोर्ट वालों से आता है। तो ये एक डेटा हम रख सकते हैं कि जो एमिशन है 40% और 10% ये आपका आता है किससे किससे, ये आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से, 10% आता है ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। ये हमने देख लिया, क्या कम करना चाहिए, करना चाहिए, पर कैपिटा एमिशन इंडिया का बहुत लो है, पर कैपिटा एमिशन बहुत लो है। ये पर कैपिटा एमिशन बहुत लो का मतलब क्या हो गया, आप देखो मानो मैं नॉर्मल एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 लोग हैं वो 100 यूनिट एमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब एक आदमी का एक यूनिट हो गया। और इधर में क्या हो रहा है, 1000 लोग, माफ मानो आप 1000 लोग हैं और ये 1000 लोग मिलकर एमिट कर रहे हैं 500 यूनिट, ठीक है, पर एक आदमी का तो अभी भी आधा यूनिट जा रहा है। ऐसे आप बस यूनिट देखोगे तो लगेगा अरे 5 टाइम्स बड़ा है, पर अगर आप पर कैपिटा एक आदमी के हेड पे देखो तब लगेगा कि नहीं, यहाँ तो एक आदमी एक यूनिट एमिट कर रहा है तो यहाँ पे एक आदमी आधा यूनिट एमिट कर रहा है। तो वो शायद लाइफस्टाइल डिफरेंसेस हो गए, हमारे पास उतनी लाइफस्टाइल हमारा इतना अच्छा नहीं है
और जहाँ की बात हो गई, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और उन लोग का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, तो वो लोग ज़्यादा एमिट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उन लोग को 24 घंटा लाइट मिल रहा है और एक्स्ट्रा पावर मिल रहा है, हमारे गाँव में अभी भी लाइट इतने अच्छे से नहीं आ रही है, लाइट कटते रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, तो इंडिया साफ बोलता है कि हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसके साथ देखेंगे कितने लोग हैं और कितना एमिट हो रहा है पर कैपिटा, हमें देखना जरूरी है। ठीक है, हिस्ट्री आप देखो क्या है, अर्थ समिट ये हमने देख लिया 1992 में रियो दी जनेरियो में हुआ था, और एक ये CBDRRC, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडिया इसके बारे में बहुत पहले करता था, और इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज को ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस डाल देता है कि आप करो। और ये कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से, ठीक है, क्योटो से, COP 3 से। उसके बाद ये लोग रिप्लेस करते करते पेरिस तक पहुंच गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, 2015 में आ गए, कुछ नहीं किया इन्होंने। इंडिया के रिसेंट COPs में क्या रहा है कि यही कि भाई हम अपना काम कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, और फॉसिल फ्यूल एमिशन करेंगे, फेज डाउन करेंगे, ये इंडिया एज अ लीडर वहाँ पे बन के आया है। कमिटमेंट्स क्या है, क्लाइमेट कमिटमेंट्स दो, NDC एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, NDC नेशनली डिटरमाइंड, आपका ये नेशनली डिटरमाइंड कंजम्पशन आपको क्या करना है, कमिटमेंट्स आपके क्या होने चाहिए। ठीक है, क्योटो में क्या था, बोल दिया गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा एमिशन कट डाउन करना है, ठीक है, डेवलप्ड को, डेवलपिंग जो है आपके अपने करते रह रहे हैं वो भी थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं, डेवलप्ड के ऊपर फोकस था। पेरिस में क्या है, यहाँ पे NDC आया है पेरिस में, NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो ये लोग बोले हैं कि जिसको जितना करना है वो करे, तो डेवलप्ड कंट्रीज खुश हो गए, वो लोग इसको तो मान रहे हैं। इंडिया का इनिशिएटिव क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लाइफ हो गया, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट हो गया, और ये हमारा हो गया रेड लाइंस, मतलब इंडिया किन चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है, इंडिया अलाउ नहीं करता है CBDRRC को, ये बोलता है कि होना चाहिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा, एनी प्रपोजल दैट आस्क इंडिया टू रिड्यूस इट्स एमिशन, इंडिया बोलता है नहीं हम क्यों करें, हमारा तो पर कैपिटा बहुत कम है अभी भी, हमें डेवलप होना है, ठीक है, और ये हमारा ग्रो करेगा एमिशन, ये इंडिया बोलता है। एनी सजेशन कि इंडिया से पूछने के लिए कब पीक है आपका, क्या है, इंडिया उसको नहीं मानता है कि हम अपना पीक नहीं बताएंगे, बोलता है कि कोल पावर प्लांट्स को बंद करो, इंडिया नहीं मानता है। ठीक है, अगर बोला जाता है कि आप अपने एग्रीकल्चर एमिशन को कट डाउन करो, इंडिया उसको भी नहीं मानता है। तो ये 5 रेड लाइंस इंडिया के लिए हो गए कि इंडिया ये इस पर नेगोशिएट नहीं करता है, बोलता है नहीं हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, हमें ये तो करना ही करना है। इस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, तो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, थैंक यू।